आज मैं डॉक्टर स्वयं करनाल से आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगी जो आप खुद पैदा करते हैं और उसका इलाज भी आपके पास खुद है, और वो है पीसीओडी या अंडेदानी में पानी की रसौलियाँ। अक्सर आजकल देखा गया है कि पेशेंट रिपोर्ट के साथ आता है कि मेरी अंडेदानी में रसौलियाँ हो गई हैं और इसका ऑपरेशन कर दो, जबकि ये पेशेंट की अपने लाइफस्टाइल, अपने खान पान से पैदा करी हुई बीमारी है और वो अपने ही लाइफस्टाइल और अपने खान पान को ठीक करने से खुद ही ठीक कर सकती है। जैसे हमारे पास ये पेशेंट हैं, इन आपको क्या प्रॉब्लम है मैडम? पहले पीरियड कम आते थे मैम, और अब ना बिल्कुल आने बंद हो गए हैं। फेस पे दाने भी हो गए हैं मेरे, चिन के नीचे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, और गर्दन पे ना थोड़ी ब्लैकिश भी फील होती है मैम पहले से। मोटापा भी मेरा काफ़ी बढ़ गया है पहले से, पहले वजन इतना नहीं था, अब ज़्यादा हो गया मैम। अब जैसे मैडम ने बताया, पीसीओडी के लक्षण ही ये होते हैं कि माहवारी कम आती है या आती ही नहीं है, दिन चढ़ चढ़ के महीने दो महीने बाद आती है, वज़न बढ़ जाता है, मुंह पे कील मुहासे निकल आते हैं, चेहरे पे बाल हो जाते हैं, गर्दन और एक्जिला काली हो जाती है, और इन जैसे ये मोटापा, जो ये मोटापा सबसे बड़ा कारण है पीसीओडी का। अगर मोटापा कम होएगा तो पीसीओडी कम हो जाएगी। मैं आपको आज पांच तरीके बताऊंगी जिससे आप अपनी पीसीओडी खुद ठीक कर सकते हैं, और अगर नहीं हुई तो होने भी नहीं दे सकते। उसका निमोनिक है देसी, DESSY। डी फॉर डाइट, अपनी डाइट में आप चीनी तो बिल्कुल ही भूल जाइए, चीनी मैदा दूध नहीं खाएंगे, और एक्सरसाइज। फिर है आपको सनलाइट, धूप चाहिए हमें 10 मिनट की, या कम से कम आधे घंटे की धूप चाहिए जिसमें गर्मी ना हो, सो आप अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं। फिर आपको नींद ठीक करनी है 9 से 6 की, रात को 9 बजे सो जाएं और 6 बजे उठें, और योगा। योगा का मतलब यह है कि आपको मेडिटेशन करनी है और सेक्सुअल विचारों से दूर रहना है। इनके बारे में डिटेल में आपको डॉक्टर मित्तल अभी बताएंगे, ताकि आप ये फॉलो कर सकें और आपकी पीसीओडी स्वयं ही ठीक हो जाए। थैंक यू मैडम। देखिए, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। पीसीओडी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है पिछले 20 सालों में, जब से लोगों ने घर में काम वाली को रखना शुरू कर दिया है, और खुद जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ गया लोगों का, मोबाइल में, इंटरनेट में, टीवी में टाइम बढ़ गया है, तब से पीसीओडी बढ़ती जा रही है। तो ये अंडेदानी की समस्या है, इसके लिए 5 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें खुद अपनी इसको ठीक करना होगा पीसीओडी को, अदरवाइज इसकी वजह से इसका सीधा रिलेशन मोटापे के साथ भी है, कॉन्स्टिपेशन के साथ भी है, ब्लड प्रेशर के साथ भी है, डायबिटीज़ के साथ सीधा रिलेशन है पीसीओडी का, और अल्टीमेटली कैंसर भी हो सकता है अगर इसका समय पे क्योर ना हो। और लेकिन आप इसे खुद आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो डाइट हमें चेंज करनी पड़ेगी, 4 व्हाइट पॉइजन से बचना होगा, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट, और मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज ना करें, दूध या दूध से बनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज ना करें, भारी खाना भी बहुत ज़्यादा ना खाएं, भारी अन्न ज़्यादा, राजमा, छोले, पनीर, मटर, ये बहुत ज़्यादा ना लें, डिपेंड टू की फिजिकल एक्टिविटी कितनी है उसके हिसाब से लें। एक आउटडोर एक्सरसाइज जो करनी है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में करें, तब उसका फायदा 4-5-6 बजे का। एक शाम को सूरज छिपने से पहले खाना खा लें, और उस समय खाना खाने के बाद आप वॉक पे जाएं, उससे अच्छा रहेगा। एक सनलाइट का एक्सपोजर, जैसे मैडम ने बताया, आधे घंटे की सनलाइट का एक्सपोजर मिलना चाहिए। एक स्लीपिंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए कि अगर समय से रात को सो जाएंगे और सुबह टाइम से उठ जाएंगे तो उससे हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं, गुड हार्मोन्स अच्छे बनते हैं, और जो कि हमें बीमारियों से बचाएंगे। अदरवाइज अगर लेट रात को 11-11 बजे तक सोएंगे और सुबह 7 बजे तक सो के उठेंगे, उससे निगेटिव हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं, जो कि पीसीओडी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि पीसीओडी की दिक्कत में मेल हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं बॉडी के अंदर, फीमेल्स में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनते हैं, उनसे फिर ये पीसीओडी की दिक्कत होती है। तो अगर हमारी जैविक घड़ी ठीक काम करेगी तो उससे फायदा होगा। एक योग भी करना है, सिर्फ योग करके बताएं हम आपको योग भी। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे भी, जगदम्बा बेबी केयर का जो मेरा चैनल है, इस पे बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हुई है कि लाइफस्टाइल ठीक करके हम भयंकर से भयंकर बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। एक तो तितली आसन, ये बटरफ्लाई पोज, उसके बाद पश्चिमोत्तानासन। देखिए कितना आसान है, ऐसा करेंगे तो हमारी जो एब्डोमेन की मसल्स है ये टॉट हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, इनको स्ट्रेंथ मिलेगी। ये अब अनुलोम कपालभाति प्राणायाम, ये देखिए 2 आसन मैंने बताए हैं बस, केवल आप 15-15 मिनट तक करें अब कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम से हमारे जो अंदर के एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, चाहे ओवरी है, चाहे हमारा यूट्रस है, अंदर के सभी ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, तो उनकी जो एक्स्ट्रा बल्क है वो रिमूव होता है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये देखिए 2 आसन 2 प्राणायाम, इनसे पीसीओडी से निजात मिल सकती है। केवल हम अगर 1 घंटा योगा के लिए दे दें तो उससे बड़ा फायदा मिलेगा। ये मेरा फ़ोन नंबर भी है,
8930541955, इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो आप मेरा कंसल्टेशन का लिंक मिल जाएगा, वो आप कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को जगदम्बा बीबी केयर जो यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ऐसी बड़ी सारी वीडियो मिलेंगी कॉन्स्टिपेशन के बारे में, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, सबके बारे में वीडियो मिलेंगी। बाकी करनाल प्लस का जो चैनल है, एक जो फेसबुक पेज है, इसको फॉलो करें, इस पर ऐसी वीडियो आती रहती हैं। और करनाल प्लस का यूट्यूब चैनल है उसको भी फॉलो करें, उसमें भी बड़ी सारी साइंटिफिक वीडियो मिलती रहेंगी, ये ध्यान रखें। मैडम, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो बीमारी आप खुद पैदा करते हैं उसको खुद ना पैदा करें, और अगर हो जाती है, अगर सपोज आप टाइम से इसका इलाज कराते हैं, पीरियड शुरू होने के साथ ही शुरू होती है, अगर आप इसको टाइमली कंट्रोल करेंगे तो आगे चल के आपको बच्चा होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर और कैंसर होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। और इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि महीना महीने की महीने ज़रूर आना चाहिए, इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करिए कि महीना महीना, दो महीने नहीं, चार महीने नहीं आया, इस तरीके से कभी नहीं। बिकॉज जो अनरेगुलेटेड हॉर्मोन्स हैं जो महीना नहीं आने देते वो आगे चल के कैंसर कॉज करते हैं। तो अगर आपको एक महीना, डेढ़ महीना, महीना नहीं आया तो डॉक्टर के पास जाएं, दवा लें और महीना आने का इंतज़ाम करें।